आदाब। रकीब से मनु सिकंदर साहब ने उसमें से एक दो स्टैंजास पढ़े हैं, मगर मैं पूरी नज्म आपके सामने पेश कर रही हूं। रकीब वर्ड का मतलब होता है राइवल, और इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब है राइवल इन लव। अब दिस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई केम अक्रॉस। देयर आर सो मेनी पोएट्स हू हैव रिटन अबाउट लव, महबूबा, महबूब, दुख, एवरीथिंग, बट एक राइवल से कोई क्या कहेगा? सो दिस इज डैम इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट फाउंड मेनी पोएट्स ऑन दिस। सेकेंड, ये एक ऐसे जॉनरा की नज्म है जो सिर्फ नज्म में और शॉर्ट स्टोरी में ये जॉनरा यूज होता है, जहां पर टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आप टाइटल ना पढ़िए रकीब से, तो शायद आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम से पता ही ना चले कि पोएट क्या कह रहा है। तो ये एक टिपिकल जॉनरा है वेयर द टाइटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने टाइटल जाना तो आपने जाना कि पोएम में क्या आने वाला है। फिर एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है इस पोएम का, कि फैज अहमद फैज जब सियालकोट में रहते थे एज अ स्टूडेंट अपने घर पे, तो उनके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था। कहने का मतलब ये है कि सामने वाले घर में एक खूबसूरत मोहतरमा रहती थी और इन्हें उनसे मोहब्बत थी और वो उनकी मोहब्बत में मुब्तला थे। फिर एक बार वो वापस घर गए तो वो नहीं थी। फिर ये वक्त गुजरता गया, ये बहुत बड़े शायर बन गए। बहुत दिनों बाद जब ये घर गए तो मोहतरमा अपने शौहर के साथ आई हुई थी और उन्होंने फैज से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे शौहर से मिलिए, वो आपसे बहुत मिलना चाहते हैं। फैज न सिर्फ उनसे मिले बल्कि ये बार भी सहा कि मोहतरमा ने मिलने के बाद उनसे कहा, आपने देखा मेरा शौहर कितना खूबसूरत है। ये नज़्म उसी मौके पर कही गई थी, रकीब से एड्रेस टू द राइवल इन लव। पेश है, आ के वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। द फर्स्ट स्टैंजा इटसेल्फ सेट्स द मूड ऑफ द पोएम। द ऑब्वियस एक्सपेक्टेड इमोशन इज जेलसी और कॉम्पिटिशन, बट इंस्टेड फैज चूजेस कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और एम्पथी विद द रकीब। नज़्म सुनिए, कि आगे वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पे उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। अब फैज को देखिए, उनके अकॉर्डिंग रकीब इकलौता ऐसा है जो उनकी तकलीफ समझ पाएगा। मेरे आंसू रोया है वो भी, हम दोनों अकेले हैं इस दुनिया में जो एक तलवार के नीचे आए हैं, तो मेरा महरमे राज रकीब के सिवा कौन होगा? दोस्त थोड़ी समझेंगे कि मैं जो जागा हूं रातों में, तो किसके चेहरे के ख्वाब मुझे चौंकाते होंगे। आगे कहते हैं, तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हैं रातों की कसक बाकी है, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। और फिर जैसे अपनी बात कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, वी आर शेयरिंग इट, हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, हमने इस इश्क में क्या खोया क्या सीखा है, जुस तेरे किसी और को समझाऊं तो समझा ना सकूं, जुस तेरे किसी और को समझाऊं तो समझा ना सकूं।
ऐसा लगता है नज्म यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि फैज कंक्लूड कर देते हैं, मगर फिर नज्म में एक नया मोड़ ले आते हैं। अब फैज हैं तो बेवजह तो कोई बात नहीं कहेंगे। मैंने एक्चुअली क्रॉस चेक किया कुलियात में कि ये जो लिखा है डिफरेंट साइड्स पर, क्या ये नज्म का पार्ट है, मगर कुलियात में भी ये पार्ट है। तो बस अहमद फराज का एक शेर याद आता है इस आगे के तीन स्टैंजा को पढ़ने के पहले, कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में। तो फैज ये समझते हैं कि हिज लव फॉर द बिलवेड वाज अ थिंग ऑफ द पास्ट, ही हैज बीन टॉकिंग टू रकीब एंड ही हैज रीच्ड दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर ही कैन नाउ डिस्कस विद द रकीब that now I am no more a person who is only pained by the love of the beloved. I am a person, a committed poet who is also pained by the love of humanity. Kamzoron ka, jo dukhi hain, jo takleef mein hain, unka dukh ab mujhe utna hi bekaabu karta hai jitna kabhi uska dukh bekaabu karta tha jo tumhari hai. To aage kehte hain, suniyega. आज सी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, या सो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, जेर दस्तों के मसायब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। वो कह रहे हैं कि आई एम अ पोएट ऑफ चेंज एंड दिस इज व्हाट आई हैव ग्रोन अप फ्रॉम दैट लव टू लव ऑफ पेन ऑफ ह्यूमैनिटी। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, ना तवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, उकाब इज ईगल, ना तवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तौले हुए मंडलाते हुए आते हैं। He is talking of the powerful people, how they attack the people who are poor, who are in pain. जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रहे के उबलती है न पूछ, आग सी सीने में रह रहे के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है, अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। अब ये फैज है तो क्या कहें कि लव ऑफ ह्यूमैनिटी इमैनेट्स फ्रॉम हिज लव फॉर द बिलवेड एंड ही इज अ पोएट ऑफ सोशल चेंज। तो जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से फैज अपने रकीब से मुखातिब हैं, जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस पोएम में उन्होंने दिखाया है, इस रिश्ते में शायद फैज जैसा शायर ही ये कर सकता था, शायद फैज जैसा शायर ही मोहब्बत की उस बुलंदी को समझ सकता है जहां से महबूब और रकीब में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, जहां से महबूब और रकीब में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। और इसको मैं कंक्लूड करूंगी अपने इन हाउस शायर अजमल सिद्दीकी साहब के एक शेर के साथ। अर्ज किया उन्होंने कि मेरी बुलंदी से दुनिया अलग ही दिखती है, शायद ये बुलंदी फैज की बुलंदी थी, कि मेरी बुलंदी से दुनिया अलग ही दिखती है, यहां रकीब भी महबूब जान पड़ता है।